Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. In this video, we are going to start with the new chapter, that is chapter number 11, mensuration. अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है. व्हाट इज मेंसुरेशन? अब मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट. अब मेजरमेंट किस चीज़ का? मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, दैट इज लेंथ, पेरीमीटर या फिर एरिया. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है. अब पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप. किसी भी शेप की बाउंड्री का लेंथ का आप टोटल कर देंगे तो उससे आपको पेरीमीटर मिल जाएगा. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. जैसे सपोज एक आपको फिगर दे रखा है, रैंडम फिगर बना दिया मैंने. ठीक है, अब इसकी बाउंड्री कौन कौन सी हो गई? एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, एक ये और एक ये. ठीक है, सपोज इनके ऊपर नंबर्स लिख देते हैं. ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 3 और ये 2. ठीक है, तो अब इसका पैरीमीटर कुछ भी यूनिट हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है. अब इनका पैरीमीटर क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड कर लेते हैं. तो 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2. ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं. तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25. ठीक है, तो इसका पैरीमीटर आ गया 25. तो पैरीमीटर क्या होता है? बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप. ठीक है, जो भी आपको शेप दे रखा है उसकी बाउंड्री का आप टोटल ऐड कर दो उसको, उसकी बाउंड्री को, तो आपको उसका पैरीमीटर निकल जाएगा. ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरिया. अब एरिया क्या होता है? रीजन और सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर. ठीक है, अगर सपोज आपके पास कोई सा भी फिगर है, सपोज ये एक रैंडमली फिगर बना देता हूँ मैं. ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? कि एरिया होता क्या है इसका? इतना कितना ऑक्यूपाई इसने सरफेस कर रखा है, कितना रीजन इसने ऑक्यूपाई कर रखा है. तो ये रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे हम? इसका एरिया. ठीक है, तो एरिया क्या हो गया? एरिया इज द रीजन और सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर. ठीक है, अब किस फिगर का क्या एरिया होगा? तो डिफरेंट फिगर्स के कैलकुलेट करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं. ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एरिया क्लियर हो गया. एरिया इज द सरफेस और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फिगर. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स. ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या क्या है डिफरेंट शेप्स का. ठीक है, तो सबसे पहला शेप है हमारा स्क्वायर. अब स्क्वायर कैसा दिखता है? इस तरीके से. ठीक है, अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है. तो सपोज एक मान लेते हैं हम, चारों साइड्स उसकी ए हो गई. ठीक है, तो अब इसके पैरीमीटर, पैरीमीटर का मतलब क्या बताया था मैंने? सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, अब पैरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स तो अब इसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो दैट इज 4a. ठीक है, तो अब ये हमने पेरीमीटर ऑफ एरिया का, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट इज 4 इंटू ए. ए क्या था? साइड. तो 4 इंटू साइड इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 इंटू साइड. ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? कि एरिया इज द रीजन, उसने कितना रीजन कवर कर रखा है उसको बोलेंगे हम एरिया. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. या फिर आप बेसिक फॉर्मूला याद कर सकते हैं पेरीमीटर किसी भी फिगर का, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट फिगर, दैट इज रेक्टेंगल. ठीक है, अब रेक्टेंगल कैसा दिखता है? कुछ इस तरह. अब इसकी इसको इस पार्ट को हम बोल देते हैं लेंथ, और ये हो गया आपका ब्रेथ. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है.
तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये भी हो गई लेंथ, और इसके अपोजिट हो जाएगी ये भी हो गई ब्रेथ। ठीक है, तो ये दोनों हो गई ब्रेथ और ये दोनों हो गई लेंथ। तो अब इसका पैरीमीटर कैलकुलेट करते हैं कि पैरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, बेसिक फॉर्मूला हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या होगा, एल प्लस बी प्लस बी प्लस एल। ठीक है, चारों साइड्स का सम कर दिया हमने, दो एल हैं और दो बी हैं, तो इधर दो एल हो गए दो बी, तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा टू एल, और बी प्लस बी क्या हो जाएगा टू बी। ठीक है, टू दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, टू इंटू एल प्लस बी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का पैरीमीटर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, टू इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब इसी के लिए अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड टॉपिक, दैट इज ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, तो अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, अब बेस को हम बी से डिनोट कर देते हैं और हाइट को एच से। ठीक है, और इसकी ये तीनों साइड्स हैं, तो ये हो गई बेस, और इसको बोलते हैं साइड वन, और इसको बोल देते हैं साइड टू। ठीक है, साइड वन और ये साइड टू, और बेस को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, दैट इज साइड थ्री। ठीक है, जो नीचे है उसको बोलते हैं बेस, दैट इज बी, और ये जो इसकी हाइट होगी दैट इज एच, और तीनों को अलग से नाम दे दिया, साइड वन साइड टू साइड थ्री। ठीक है, अब इसका हम पैरीमीटर निकालते हैं, तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। ठीक है, एस वन मतलब साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड थ्री। अब इसका कोई बेसिक सा ऐसा अलग से फॉर्मूला नहीं है, तो तीनों साइड का सम ही करना है, तो दैट इज पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती, तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाती, तो सपोज ए मान लेते हैं, तो ए प्लस ए प्लस ए दैट इज थ्री ए हो जाता अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता। बट अभी हमने किस ट्राइंगल की बात करी, आइसोसेलेस स्केलन ट्राइंगल की बात करी है, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो दैट इज एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। ठीक है, अब देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखते हैं आपका फोर्थ टॉपिक, दैट इज सर्कल। अब सर्कल कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, अब सर्कल का ये हो गया सेंटर, और सेंटर से लेके उसकी जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है दैट इज आर, आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो आर हो गया आपका रेडियस। अब सर्कल के लिए जो पैरीमीटर वर्ड यूज नहीं होता, उसके लिए होता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, टू पाई आर। ठीक है, पैरीमीटर बोल लो, पैरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज टू पाई आर। ठीक है, अब टू पाई आर, अब इसके अंदर देख लीजिए आप, ये पाई है इंटू टू आर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, अब पाई अलग और टू आर मतलब टू इंटू रेडियस, टू इंटू रेडियस को मैं डायमीटर बोल सकता हूँ। तो ये भी फॉर्मूला हो गया हमारे पास, या तो टू पाई आर याद कर लीजिए आप, या फिर पाई डी, दोनों फॉर्मूले करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, और पाई जो होता है वो होता है कांस्टेंट, तो पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 22/7। फ्रैक्शन के अंदर अगर लिखना चाहते हैं पाई को तो दैट इज 22/7, और अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो दैट इज 3.14। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर बोलते हैं तो 22/7 या फिर 3.14, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूज़ करने को नहीं बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक बोला है कि आपको यही यूज़ करना है या फिर ये वाला यूज़ करना है, तो वही यूज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं गिवन है
तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, पैरेललोग्राम ही हो गया ये। अब इसका यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, और ये जो होगी साइड। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं, इस साइड को नाम देते हैं सपोज ए। ए नाम दे दिया, और जो इसका बेस था उसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, बेस हो गया, बेस को हम बी बोल रहे हैं और ये वाली साइड को ए बोल रहे हैं। ए और हाइट अलग अलग हैं। ठीक है, ए और हाइट इक्वल नहीं है, क्योंकि ए स्लैंटिंग में है और हाइट इसकी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, जस्ट डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये कितना है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है तो ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो दो ए हो गए और दो बी हो गए, तो पैरीमीटर क्या हो गया पैरेललोग्राम का? दैट इज ए प्लस बी प्लस बी। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पैरीमीटर। ठीक है, तो दो ए हो गए और दो बी हो गए, तो दैट इज टू ए प्लस टू बी। ठीक है, तो टू कॉमन ले लेंगे तो टू इंटू ए प्लस बी। तो सेम एज पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का पैरीमीटर सेम होता है, दैट इज टू इंटू ए प्लस बी। उसके अंदर एल प्लस बी था, कुछ भी आप वेरिएबल दे सकते हैं। ठीक है, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज टू इंटू ए प्लस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रपेजियम। ठीक है, अब ट्रपेजियम कैसा दिखता है? इस तरीके से, दिस इज अ ट्रपेजियम। ठीक है, इसकी एक साइड को हम ए बोल लेते हैं, दैट इज ए, और दैट इज बी। ठीक है, ए और बी, और इसकी जो हाइट होगी उसको हम नाम दे देते हैं एच। ठीक है, या फिर हाइट बोल देते हैं, एच दे दिया। ठीक है, अब इसका जो हमें पैरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो अगर ये ए है और ये बी है, तो इसके अंदर हम इसको दे देते हैं कुछ और नाम दे देते हैं, सपोज सी, और ये हो गई। अगर ये इक्वल हैं तो ये भी सी हो जाएगी, बट अगर इक्वल नहीं दे रखा हो तो डी मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि दिस इज आइसोसेलस ट्रपेजियम, आइसोसेलस ट्रपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि दोनों ऑब्लिक साइड, जो ये टेढ़ी साइड होती है ऑब्लिक साइड, वो दोनों इक्वल होती है आइसोसेलस ट्रपेजियम में। अगर दिया जाता कि आइसोसेलस ट्रपेजियम है तो ये दोनों इक्वल होती है, सी और डी इक्वल होते हैं, बट अगर आपको गिवन नहीं है तो इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, सी और डी। ठीक है, तो इसका पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पैरीमीटर ऑफ ट्रपेजियम क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, चारों साइड्स का सम कर दिया हमने, तो दैट इज द पैरीमीटर ऑफ ट्रपेजियम। ठीक है, अब निकालना है आपको एरिया ऑफ ट्रपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज हाफ इंटू एच, दैट इज हाइट, इंटू ए प्लस बी। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है ना ए और बी, उनका सम करना है, तो हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या फिर ए प्लस बी जो आपको लिखना चाहते हो, तो हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये एरिया कहाँ से आया, तो इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये एरिया आया कैसे। ठीक है, तो देखते हैं, तो सपोज अगर ये ट्रपेजियम है तो इसके अंदर मैं ये इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये डी के पैरेलल एक लाइन बना दी मैंने। ठीक है, तो अब ये वाला जो फिगर है, दैट इज दिस वन। ठीक है, ये वाला फिगर आपका हो गया
पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको नाम देते हैं, दैट इज ए बी सी और ये डी, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये साइड्स की लेंथ ही है, स्मॉल ए है, और जो मैंने नाम दिए हैं वर्टेक्स के, दैट इज कैपिटल ए बी सी डी, ठीक है। तो कैपिटल ए बी सी डी आपका हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो अगर ये ए है तो इतना पोर्शन भी ए होगा, ठीक है, ये है तो ये भी ए होगा, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है जो ये ट्राइंगल के अंदर आ गया, ठीक है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, टोटल बी था और ये इतना ए है, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है। इतना जो पोर्शन है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बी माइनस ए। तो अब इस पूरे फिगर का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये छोटा सा पैरेललोग्राम प्लस ये छोटा सा ट्राइंगल, इन दोनों का जो सम करोगे एरिया का, तो आपका एरिया ऑफ ट्रपेजियम आ जाएगा, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, और फॉर्मूला तो यही है, ये आपको याद करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो एच ही है, और बेस कितनी है आपकी, ये देखी थी, बी माइनस ए, ठीक है, तो आपकी बेस कितनी होगी, बी माइनस ए, प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ये छोटी सी बेस, दैट इज ए, और हाइट तो वही रहेगी एच, तो ए इंटू एच, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, तो हाफ इंटू एच इंटू बी, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो हाफ एच बी हो गया, और माइनस हाफ एच इंटू ए, हाफ ए एच हो गया, प्लस ए एच, ठीक है, तो हाफ एच बी तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस हाफ ए एच और प्लस ए एच, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ए एच, ठीक है, दोनों में से हाफ और एच कॉमन आ जाएगा, हाफ एच कॉमन आ गया, तो क्या आंसर आया, ए प्लस बी, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रपेजियम, इस तरीके से ये आया, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका डिराइव, दैट इज हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज रोम्बस। अब रोम्बस कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोम्बस। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, लाइक स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है स्क्वायर और इसमें, उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं बट इसके नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में। अब रोम्बस और स्क्वायर का जो सॉरी अब स्क्वायर रोम्बस का हम पैरीमीटर देखते हैं, तो पैरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, सिमिलर एज स्क्वायर, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a, मतलब 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हो गया आपका पैरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब एरिया देखते हैं, अब एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया के लिए हम देखते हैं, दैट इज इसको हम दोनों इसकी डायगनल ड्रॉ कर देते हैं, तो एक हो गया d1 और एक हो गई d2, ठीक है। ये बड़ी वाली डायगनल को हम बोल देते हैं d1, और ये जो छोटी डायगनल है इसको हम बोल देते हैं d2, ठीक है। अब डायगनल का रोल क्या होता है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, c और ये d, ठीक है, और इसको o दे देते हैं। तो अब इस रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इसको दो ट्राइंगल में तोड़ देते हैं, दो ट्राइंगल कौन से हो गए, ए बी सी और एक हो गया बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और बी सी डी दो छोटे ट्राइंगल में तोड़ दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो हाफ इंटू बेस क्या है, बी सी, बी सी मतलब छोटी वाले डायगोनल, दैट इज डी टू, ठीक है, हाफ इंटू डी टू इंटू उसकी हाइट, दैट इज ओ ए, ओ ए हाइट होगी, ठीक है, या फिर ओ ए की जगह हम ये बोल सकते हैं हाफ डी वन, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, तो ओ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, हाफ डी वन, हाफ इंटू डी वन, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, बी सी डी में क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, सेम है, दैट इज डी टू, प्लस इंटू हाइट, हाइट क्या होगी, ओ डी, ओ डी भी क्या होगी, हाफ डी वन, ठीक है, सेम होगा, तो ये होगी हाफ डी वन, ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू हाफ वन बाय फोर, और डी वन इंटू डी टू, ठीक है, प्लस ये भी यही हो गया, हाफ इंटू हाफ वन बाय फोर, डी वन इंटू डी टू, ठीक है, तो वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर कितना हो जाएगा, हाफ, तो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, तो दैट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू होता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल अभी तक हमने पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम सब पढ़े, वो सब क्वाड्रिलेटरल ही थे, बट वो सब एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल थे, ठीक है। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आया था कैलकुलेट द एरिया या पैरीमीटर ऑफ अ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं हम, सपोज ये हो गया आपका नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अगर आपको नाम नहीं दिया है कि ये ट्रेपेजियम या फिर पैरेललोग्राम नहीं बताया है तो वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। तो सपोज इसकी साइड्स अलग अलग दे रखी है, ए वन, ए सॉरी ए बी सी एंड डी, ये चार साइड्स दे रखी है आपको, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायगनल को ज्वाइन कर देते हैं, किसी भी डायगनल को, या तो ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है, तो एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या होगा आपको, अब इससे इधर से लेके यहाँ तक की हाइट को जो हम मानते हैं एच वन, और इस वाली हाइट को मान लेते हैं एच टू, ठीक है, एच वन और एच टू, और ये जो डायगनल है इसकी लेंथ को हम सपोज मान लेते हैं डी वन, ठीक है, डी मान लेते हैं, डी वन क्या, सॉरी डी तो मान चुके हम, तो कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल डी मान लेते हैं हम इसकी डायगनल की लेंथ को, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, हमने इसको, इस क्वाड्रिलेटरल को दो स्मॉल ट्राइंगल में तोड़ दिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल वन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हम ट्राइंगल वन मान लेते हैं, ठीक है, तो हाफ इंटू डी जो कि डायगनल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है एच वन, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल टू दैट इज हाफ इंटू डी, बेस दोनों का सेम है, इंटू एच टू, हाइट इसकी अलग है, ठीक है, तो हाफ कॉमन आ गया, डी कॉमन आ गया, तो हाफ इंटू डी कॉमन इंटू एच वन प्लस एच टू, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ अ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसका बेस तो सेम ही है डी दोनों का, और हाइट दोनों की अलग अलग है, इसलिए हाफ इंटू डी इंटू एच वन प्लस एच टू, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखते हैं पैरीमीटर, पैरीमीटर तो हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज, चारों साइड का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, तो दिस इज द पैरीमीटर ऑफ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, और एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी इंटू एच वन प्लस एच टू, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, दैट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर, ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी लेंथ लगेगी वायर की अगर उसको हमें एक स्क्वायर पार्क के अराउंड फेंसिंग करनी है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर इफ इट्स रेट इज 5 रुपीज़ पर मीटर,
ठीक है, तो आपको रेट दे रखा है 5 रुपीज़ पर मीटर। अब फेंसिंग का मतलब क्या होता है, उसके चारों तरफ उसको वायर को लगाना है। अब कहाँ पर लगेगी, चारों तरफ लगेगी, दैट इज मतलब पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा है आपसे पेरीमीटर निकालने को, बट थोड़ा घुमा के पूछा है, दैट इज फेंसिंग। अब आपको भी पता है फेंसिंग कहाँ होगी, उसकी बाउंड्री पर ही होगी। ठीक है, तो आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो कौन सा पार्क बताया उसने, स्क्वायर पार्क। ठीक है, तो स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड दे रखी 30, तो साइड इक्वल्स टू 30 मीटर, और पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का, अभी देखा था हमने, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 30, दैट इज 120 मीटर। ठीक है, यूनिट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट लगाना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या आ गया, 120 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ वायर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वायर क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, कितना पेरीमीटर आया, इनटू रेट, किस रेट से वायर मिल रहा है। ठीक है, तो कितना वायर लगा उसका, 120 मीटर, और क्या रेट पे मिल रहा है, 5 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर के 5 रुपये, तो कितना हो गया, 600 रुपीज़। तो टोटल जो वायर आएगा कितने रुपीस का आएगा, 600 रुपीस का वायर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ इन द गिवन फिगर। ठीक है, आपको गिवन फिगर दे रखा है और आपको इसका एरिया ऑफ पाथ निकालना है। अब एरिया ऑफ पाथ कैसा है, ये जैसे आपको ये पार्क दे रखा है और इसके अंदर फ्लावर बेड दे रखा है, ये अंदर वाला। ठीक है, तो पाथ कौन सा है आपका, दिस वन इज द पाथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाथ, इस पाथ का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये पाथ किस तरीके का हो गया, इस शेप का हो गया। अब इस पर्टिकुलर शेप का हमने फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, ठीक है, ये कोई शेप नहीं है कि बाहर से तो दिख रहा है और अंदर से ये खोखला है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर शेप का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, बट ये शेप आया कैसे है, तो देखते हैं इस शेप का एरिया कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ बाहर वाला रेक्टेंगल, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, उसमें से इतना माइनस कर दें हम, अगर ये अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ, सॉल्यूशन देखते हैं, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अगर अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो बचेगा क्या, पाथ का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ, सॉरी, एरिया ऑफ बाहर वाला रेक्टेंगल कितना होगा, जो आउटर रेक्टेंगल है, दैट इज एल इंटू बी, एल क्या है, 50 इंटू 80। ठीक है, बाहर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 80 इंटू 50। ठीक है, तो वही 50 इंटू 80 माइनस अंदर का एरिया, अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 60 इंटू 30। ठीक है, दैट इज 50 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, माइनस 60 इंटू 30, दैट इज 1800। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2200। तो 2200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट किस में चल रही थी, मीटर में, तो ये क्या आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकला, बाहर के रेक्टेंगल का वो एरिया माइनस अंदर के रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ पाथ आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको फिगर नहीं पता हो, ठीक है, जिस फिगर का आपको एरिया निकालना है वो एक पर्टिकुलर फिगर नहीं हो, तो इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हो कि अगर उससे रिलेटेड कुछ और फिगर आ रहा है तो उनको प्लस या फिर माइनस करके हम उस फिगर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो इसी के साथ आपके मेंसुरेशन के पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। विल बी डूइंग द सेकंड पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।